आप यहाँ देख पाएंगे हमने 12-15 लाइन्स के सैंपल लगाए हुए हैं। जी हाँ जी, अगर मैं नाम से स्टार्ट करता हूँ तो हमारे पास वर्टिकल बाइंड है जो आप टू स्टार्टिंग में देख रहे हो, ये वही बाइंड हम बोलते हैं कस्टमाइज वर्टिकल बाइंड, इसमें कोई भी प्रिंट ले सकते हो अपनी चॉइस का। हम बोलते हैं रोमन ब्लाइंड, ये हमारी वेनिशियन ब्लाइंड है, ठीक है, उधर एक कस्टमाइज ब्लाइंड है। ब्लाइंड पे अगर हम आते हैं तो ये हमारी वुडन ब्लाइंड है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको पुल करना है तो आप देख सकते हैं कि आप इसको आर पार यानी कि बाहर देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको दोनों को अगर खींचना है तो आप इसे कम्प्लीटली ऊपर कर पाएंगे। चांदी का ब्लाइंड आप जनरली देखेंगे आपको होटल्स में जाता ज्यादा मिलती है, जितनी आपके पैसा होटल्स है तो ये सर इनका प्राइस रेंज थोड़ा बता दीजिए। ये हमारी ज़ीब्रा ब्रांड है, हमने एक प्रीमियम क्वालिटी की ज़ीब्रा लगाई हुई है आप देखेंगे, और इसमें भी एक फैसिलिटी है अगर आप सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको अगेन लेके आए हैं सोवी इंटीरियर के पास। तो नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाय विकी, मैं बहुत अच्छा हूँ। सर आज की वीडियो के अंदर हम क्या क्या दिखाने वाले हैं? आज हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में, हम ब्लाइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। हमारे पास सोवी इंटीरियर में आपको ब्लाइंड 70 की मिलती है, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे हमने 12-15 ब्लाइंड्स के सैंपल लगाए हुए हैं। जी हाँ जी, अगर मैं नाम से स्टार्ट करता हूँ तो हमारे पास वर्टिकल ब्लाइंड्स है जो आप टू स्टार्टिंग में देख रहे हो, ये वही ब्लाइंड हम बोलते हैं कस्टमाइज वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसमें कोई भी प्रिंट ले सकते हो अपनी चॉइस का। हाँ जी, अगर आपके पास आपकी चॉइस का प्रिंट है या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक थीम है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, उस थीम से रिलेटेड जितने भी तरह के वॉल पेपर दोगे वो आपको दे सकते हैं। तो ये जो ब्लाइंड आप देख रहे हैं ये हम बोलते हैं रोमन ब्लाइंड, बेसिकली रोमन स्टाइल में ब्लाइंड हमने बनाई है, एग्जैक्टली रोमन नहीं इसको बोल सकते बट ये रोमन स्टाइल में ब्लाइंड बनी हुई है, ठीक है। ये ब्लाइंड जो आप देख रहे हैं ये हमारी वेनिशियन ब्लाइंड है, ठीक है। उधर इसके बाद हम इस ब्लाइंड पे आते हैं, ये हमारी कस्टमाइज ब्लाइंड है बट ये रोलर फॉर्म में है, जैसे आपने वहां पे देखा तो वो वर्टिकल में है जिसमें हम अलग स्ट्रिप नहीं यूज करते हैं, ये आपको सिंगल प्रिंट आता है बेसिकली, ठीक है। और ये हेलमेट आती है ना सर? हाँ, इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, ये जो कवर है बेसिकली ये पेलमेट है, अगर आप इसके बिना भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट साथ में थोड़ा सा अच्छा लगता है लुक वाइज, ठीक है सर। और इसमें अगर आप चाहें तो अपनी फोटोग्राफी आपकी भी फैमिली की मेमोरीज हैं तो वो आप इस पे प्रिंट कर सकते हैं, बस हमें फाइल देनी पड़ेगी। इस ब्लाइंड पे अगर हम आते हैं तो ये हमारी वुडन ब्लाइंड्स है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको अपने घर को थोड़ा प्रीमियम लुक देना है, थोड़ा एलिगेंट, आप देखेंगे तो होटल्स में या आपके जो भी प्रीमियम विलाज हैं वहाँ पे वुडन ब्लाइंड्स का यूज करते हैं, ठीक है। वुडन ब्लाइंड में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, थोड़ा हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जी। अभी जो हमने वुडन ब्लाइंड यहाँ लगाई हुई है इसमें दो स्ट्रिंग्स हैं, कि लेफ्ट में स्ट्रिंग है और एक राइट में स्ट्रिंग है, इसका दोनों का अलग अलग ऑपरेशन है। जैसे अभी हमने ब्लाइंड लगाई हुई है, अगर सिर्फ आपको सी थ्रू करना है या फिर ब्लैकआउट करना है, अगर हमें देखना है कि बाहर कौन आया है तो बस मुझे एक सिंगल स्ट्रिंग को पुल करना है तो आप देख सकते हैं कि आप इसको आर पार यानी कि बाहर देख पाएंगे, ठीक है सर। और सिंगल ही पुश से आप इसको ब्लैक आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका वन ऑपरेशन है जो यहाँ पे ब्लाइंड स्ट्रिंग लगी हुई है, इस स्ट्रिंग से अगर मुझे ब्लाइंड को पूरा कभी अप करना हो, कोई सफाई करनी है मुझे या कुछ और पर्पज है मेरा, ठीक है, तो आपको दोनों को खींचना है तो आप इसे कम्प्लीटली ऊपर कर पाएंगे। इसके एक लॉकिंग सिस्टम होता है, आप जैसे इसको अनलॉक करेंगे ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है, लेफ्ट और राइट है। अब हम आते हैं एक और प्रीमियम ब्लाइंड पे, इस ब्लाइंड को हम बोलते हैं हनीकॉम ब्लाइंड्स, ठीक है सर। हनीकॉम ब्लाइंड्स आप जनरली देखेंगे आपको होटल्स में ज्यादा ज्यादा मिलती है, जितने भी आपके पैसा होटल्स है जो भी प्रीमियम होटल्स है, इसमें है क्या बेसिकली, अभी हमने जो ये डिस्प्ले में लगाया हुआ है हमने दो फैब्रिक्स को एक साथ कंबाइन किया एक ब्लाइंड में, ठीक है सर। और ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ हनीकॉम में पॉसिबल है, ठीक है। अभी जैसे आप ये वाला फैब्रिक जो देख रहे हैं ये प्रॉपर ब्लैकआउट फैब्रिक है, तो और ऊपर अभी मैं इसको खोलता हूँ, अगर थोड़ा सा दिखाएंगे व्यूअर्स को, अगर मैं मॉर्निंग में हूँ, मॉर्निंग में मेरी मीटिंग है या मुझे सनलाइट चाहिए तो मुझे जेंटली इसको नीचे करना, मैं कम्प्लीट सनलाइट को इन्जॉय कर सकता हूँ। तो मतलब कि एक ही ब्लाइंड के अंदर एक ही ब्लाइंड के अंदर दो फैब्रिक, और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ हनीकॉम में होती है, ठीक है। अब जो ये वाला फैब्रिक आप देख रहे हैं इसमें हमारे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है सर। जो ब्लैकआउट का फैब्रिक है जो मैंने अभी आपको दिखाया इसमें भी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है हमारे पास, तो ये सर इनका प्राइस रेंज थोड़ा बता दीजिए। प्राइस रेंज अगर मैं हनीकॉम की बात करता हूँ ये समवेयर अराउंड स्टार्ट होती है 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट से, ठीक है। बट अगेन इसमें प्राइस का डिफरेंस कहाँ पे आता है, कि हम सिंगल फैब्रिक ले रहे हैं या हम डबल फैब्रिक ले रहे हैं, फिर इसका ऑपरेशन भी है बेसिकली। जैसे अभी हमने जो डिस्प्ले लगाई हुई है वो सिर्फ नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि बॉटम टू टॉप है वो बेसिकली। अगर आप इसको टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भी करना चाहें तो भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब कई बार आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा हमें ऊपर से ब्लाइंड को नहीं खोलना, हाँ जी, या हमें सिर्फ नीचे से
उसको खोलना है थोड़ा, तो दोनों तरह के ऑपरेशन भी पॉसिबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको बहुत डिटेल्स में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने नंबर दिया हुआ है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरे डिटेल में मैं बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और शायद ओवर द वीडियो थोड़ा समझाना मुश्किल है सर। ठीक है सर। अब जैसे मैं इस ब्रांड पे आता हूँ, ये हमारी ज़ेब्रा ब्रांड है, हमने एक प्रीमियम क्वालिटी की ज़ेब्रा लगाई हुई है। आप देखेंगे इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बेसिकली मशीन से एम्ब्रॉयडरी गई है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो इसमें हमारा जो नेट है, नेट पे भी हमने एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है। ज़ेब्रा को जैसे हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट के लिए बहुत सिंपल ऑपरेशन है इसका। आपके पास राइट हैंड पे एक स्ट्रिंग है, अगर आप इसको सी थ्रू करना है तो ये सी थ्रू हो गया। आपको ब्लैकआउट करना है, जेंटल पुश से आप से इसको ब्लैकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इसको कंप्लीट स्ट्रिंग को ऊपर करेंगे तो आप सेम वे में ब्लाइंड को पूरा फोल्ड या पूरा डाउन कर सकते हैं। ठीक है सर। और अगर मैं इसमें डिज़ाइंस की बात करूँ तो मेरे पास लगभग 700 प्लस डिज़ाइंस होंगे इसमें, अब हम इस ब्रांड पे आते हैं। ये ब्रांड हम एक सिंपल रोलर ब्रांड रखी हुई है, जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या हम इस ब्रांड को विदाउट पेलमेट भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे है। ये एग्जैक्टली ये आप देखेंगे, ये इस तरह से आपको दिखाई देगी जब आप ये कवर या ये पेलमेट नहीं लेते हैं। तो पेलमेट का बेसिकली जो तरीका या जो इसका यूज है वो इस वाले पोर्शन को एक अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं, तो दिस विल लुक स्मार्ट। तो बेसिकली ये पर कई बार कई है कुछ ऐसे साइड्स में जहाँ पे हम पेलमेट को इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे विदाउट पेलमेट जाते हैं, बट हम जनरली कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि आप विद पेलमेट जाइए। और सर इसकी प्राइस है? ये हमारे पास प्रीमियम रेंज लगी हुई है। अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ है। अगर मैं स्टार्टिंग रेंज की बात करता हूँ तो मेरे पास जो स्टार्टिंग रेंज रोलर्स की हो जाती है वो 55 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब बेसिक क्लीन रोलर। ठीक है सर। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो आप ब्लाइंड देख रहे हैं ये है ट्रिपल शीट ब्लाइंड। ट्रिपल शेड हमने इसलिए इसको बोला है बिकॉज इसमें बेसिकली कपड़े की 3 लेयर्स हैं। इसमें अगर आप थोड़ा पास दिखाएंगे तो कपड़े की 3 लेयर्स हैं, तो ये 3 लेयर्स पे ऑपरेट होने के बजाय होने की वजह से हमको ट्रिपल शेड मिलता है बेसिकली। ठीक है सर। अगेन ये हमने एक रोलर ब्लाइंड लगाई हुई है, ये कस्टमाइज नहीं है, सिंपल रोलर ब्लाइंड है विद पेलमेट। इसके अलावा आप जितनी ब्लाइंड्स देख रहे हैं या फिर हनीकॉम में आपको ऐसी ऑप्शन होता है कि आपको सिंगल ऑपरेशन चाहिए या फिर डबल आपको फैब्रिक चाहिए, बट अदरवाइज बाकी जितने भी आप ब्लाइंड्स देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, वो वैसे ही आते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। ठीक है सर। सर एक सवाल और था जी कि मिनिमम सबसे सस्ती अगर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर फीट इसकी ब्लाइंड की, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? सर सस्ता ये आप वर्टिकल की बात करते हैं। ठीक है। तो वर्टिकल हमारी सबसे सस्ती ब्लाइंड होती है, रेगुलर ब्लाइंड है, तो वर्टिकल हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम 50 रुपीज, तो 50-55 रुपए की रेंज जो है वो एक बेसिक रेंज है। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ आपसे, अगर स्टार्टिंग ऐसी बात करते हैं तो अगर लोग वीडियो में बोलते हैं कि 20 रुपए स्क्वायर फीट है, 15 रुपए, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लाइंड्स इतनी सस्ती नहीं आती है। जो स्टार्टिंग रेंज होगी आपके पास वो 50 रुपीज के आसपास है, 50-55 रुपीज। ठीक है सर, स्टार्टिंग की बात। ठीक है। और सर ये जो हम आज की वीडियो बना रहे हैं इसकी लोकेशन, और अगर कोई और स्टोर है तो उसकी लोकेशन अगर अभी स्टोर की बात करें जहाँ पे हमारा डिस्प्ले लगा हुआ है, ये स्टोर हमारा लोकेटेड है कन्हैया नगर में। ठीक है। लोकेशन बहुत ही नियरेस्ट है, अगर कन्हैया नगर मेट्रो से आप ट्रेवल करते हैं तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, पिलर नंबर 232, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है हम मेन रोड पे, ऑन द रोड है हम बिल्कुल। आपको ऐसे भी हमें फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो हमारा एक ऑफिस करोलबाग में भी है, अगर आप करोलबाग विजिट करना चाहते हैं बिकॉज वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिल्ली है, तो हमारा ऑफिस करोलबाग में भी है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे हमारे करोलबाग के ऑफिस की, नंबर्स हमारे पास नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सही बात है, मिल जाएंगे आपको।
तो सर अगर हमारा कोई रिटेल व्यूअर है तो वो यहाँ से बाय कर सकता है? हाँ, सिंगल पीस जैसे हमने पीछे भी बहुत मतलब जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी आपके साथ, हाँ जी, उसके बाद हमने बहुत सारे कस्टमर को फैसिलिटेट किया है और बहुत सारे कस्टमर को हमने भेजी भी है। ठीक है, इंस्टॉलेशन ज्यादा बात है, इंस्टॉलेशन बहुत सुपर ईजी है। अगर पेलमेट वाली ब्रांड आप कोई ऑर्डर करते हैं, हाँ जी, इंस्टॉलेशन बहुत सुपर ईजी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने ये ब्रांड लगाई हुई है। अभी मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूँ। दो क्लैंप आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एज इट इज दो क्लैंप आएंगे आपके पास। आप थोड़ा अगर आप दिखाएंगे इन क्लैंप में, बेसिकली हमने ऊपर की तरफ भी यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉलेशन के लिए है और इसके सामने भी, मतलब अगर आपको वॉल पे इंस्टॉल करना है यानी कि फ्रंट पे जैसे हमने किया हुआ है तो आप यहाँ पे स्क्रू कर सकते हैं, और अगर आपको सीलिंग में इसको स्क्रू करना है कस्टम है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार आपने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया, बस आपको ध्यान से इतना देना कि ये एक लाइन में हो, मतलब ये ऊपर नीचे ना हो। दिस इज द प्रिकॉशन यू हैव टू यूज। उसके अलावा उसके बाद आपको ब्रांड को ऐसे यूज कर लेना है और ब्रांड को सिंपली आपको क्लिक एंड इंस्टॉल है। बेसिकली ये मैंने किया और मैंने क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दिया एंड योर ब्लाइंड इज इंस्टॉल्ड। मतलब आपको स्पेशल लेबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अगर ड्रिल से ऑपरेट करना आता है सुपर इजी, सब सबको आता है। ठीक है सर, उसके बाद आप ये ऑपरेट कर सकते हैं और अगर कोई चाहे तो सिंगल भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ब्लाइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक पीस चाहिए, दो पीस चाहिए, आपको पूरे घर के लिए चाहिए, पूरे फैक्ट्री के लिए चाहिए। हमारी कैपेसिटी लगभग हम 300-350 ब्रांड में बनाते हैं। ठीक है, तो आपकी हाँ 300 ज्यादा है तो शायद हम एक दिन ले सकते हैं आपका, बट अदरवाइज आप अगर हमें आज ऑर्डर करते हैं, अगर आपका मॉर्निंग ऑर्डर आता है, विल ट्राई कि हम सेम डे ही डिस्पैच कर सके। सर एक सवाल और पूछना था कि स्टोर कब का ओपन होता है? हाँ, ये हमारा स्टोर बेसिकली संडे को हमारा वीक ऑफ होता है। ठीक है, तो संडे को अगर हम आपके किसी व्यूअर का हमारे पास कॉल आता है या व्यू क्वेरी है और इन केस वी आर नॉट एबल टू आंसर देम, तो आप प्लीज हमें एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जैसे ही टाइम मिलेगा या फिर मीटिंग उसे देखेगी तो विल गेट बैक टू यू। मतलब संडे को हमारा ऑफर है, संडे को हमारा वीकली ऑफर है। बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि हम सारे कॉल्स को पिक कर पाए, बट बिकॉज संडे की वजह से कभी कभी कुछ कॉल्स मिस कर देते हैं या फिर मैसेजेस मिस हो जाते हैं, तो आप अगर कॉल आपने की है और अगर वो मिस हो गई है तो प्लीज ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप मैसेज, तो जैसे ही हमारे को टाइम मिलता है मेरी टीम या मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जितनी भी आपने ब्लाइंड हमारे पास देखी है वीडियो में, ये सभी मैनुअली ऑपरेटेड ब्लाइंड है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ब्लाइंड को मैनुअली ऑपरेट नहीं करना, रिमोट से ऑपरेट करना है यानी मोटराइज करना है, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमने हमारे ऑफिस में भी एक डिस्प्ले का सैंपल लगाया हुआ है, इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, पॉज करना हो तो भी पॉज कर सकते हैं इसको, डाउन अप एंड पॉज, ये तीन फंक्शंस होते हैं बेसिकली रिमोट में। ये डाउन के लिए डाउन का बटन है, पॉज के लिए बीच वाला बटन और अप के लिए अप वाला बटन है। और इसमें भी एक फैसिलिटी है, अगर आपके घर पे 4 या 5 ब्लाइंड लगी है मोटराइज, तो अगर आप उसको सिंगल रिमोट से ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। जैसे अभी हम कभी कभी कॉन्फ्रेंस रूम में हमने 5 मानी विंडोज हैं और 5 विंडोज को हमने एक साथ नीचे डाउन करना है, तो एक सिंगल रिमोट से आप डाउन कर सकते हैं उसको। ये फैसिलिटीज भी है, मल्टीपल क्लाइंट्स को सिंगल रिमोट ऑपरेटेड हम कर सकते हैं। तो सर इसके प्राइसिंग क्या रहने वाली है? रिमोट की मैं मोटर की बात करूँ तो मोटराइज 6,000 से 6,500 के बीच में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द मोटर या हम कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो लगभग ये रेंज होती है मोटर। तो सर इसकी लाइफ कितनी होती है? अगे ये लाइफ, इसकी लाइफ तो सर बहुत अच्छी है, बट वारंटी की मैं बात करता हूँ तो 5 ईयर की हम वारंटी देते हैं इस पर। वारंटी पर ऑफ साइड होती है, लेट से वैसे कभी प्रॉब्लम आती है, बट इन केस कभी इसमें इशू आता है तो कस्टमर को ये ब्लाइंड हमें भेजनी पड़ेगी, हम देख लेंगे। अगर रिपेयरेबल मोड में है इसको रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर हो जाएगी, अगर रिपेयरेबल मोड में नहीं होगी तो हम मोटर को नया चेंज करके आपको दे सकते हैं टिल 5 ईयर्स। तो ये मोटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम पीछे जितनी ब्लाइंड्स हैं सबके अंदर, जितनी ब्लाइंड्स हमने देखी हम सब में मोटराइज को ऐड कर सकते हैं, मतलब मैनुअल या फिर रिमोट कंट्रोल्ड आप सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है सर, तो आज की वीडियो के अंदर सर इतना ही था या कुछ और भी दिखाना? हाँ, अभी आज की वीडियो में हम इतना ही दिखाने वाले हैं, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको सारी ब्रांड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जितने भी ब्रांड्स हम यूज करते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपके किसी कस्टमर के मन में कुछ ब्लाइंड को लेकर के डाउट है, हाँ जी, या ब्लाइंड में क्या कैसे उसको यूज करना है, या अगर मान लीजिए कोई रिटेलर भाई देख रहा है ये वीडियो, जो दुकानदार है जो काम करता है, वो अगर काम स्टार्ट करना चाहता है, जिन्होंने काम अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो वो हमारे पास आ सकता है, हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाए, या कोई नया काम करना चाह रहा है, किसी को नया सेटअप करना है, तो उसमें भी हम उसको पूरा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सर।